जय नारायण स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उनके इंट्रोडक्शन जाने थे कि व्हाट इज टर्म्स, व्हाट इज फैक्टर्स, व्हाट इज कोफिशिएंट एंड व्हाट इज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलीनोमियल एंड द लास्ट वन इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। उन्हीं से कनेक्टेड आपकी ये जो एक्सरसाइज 12.1 जो आज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है वो आपकी बिल्कुल उसी से कनेक्टेड है। यदि आपने उन टर्म्स को, उन चीज़ों को जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में उन्हें अच्छे से समझ लिया है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए वेरी इजी, बहुत आसान होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि आपको उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और आपने सिंपल इक्वेशन चैप्टर में स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना बहुत सीखा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस को अब इक्वेशन नहीं फ्रेम करनी, आपको एक्सप्रेशन फ्रेम करना है। तो वो टर्म्स याद रखिएगा जो मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने सबसे पहला है हमारा, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, चाहे वो वर्ड, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स के नेम चेंज किए थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर जो आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं उसे आपको इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनाना होता है, तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि जो लाइन लिखी है आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी में। वो एग्जैक्टली वही काम आप करिए जो वो बोल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, तो जेड का सब्ट्रैक्शन वाई से, तो वाई से जेड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो किससे करना है वो पहले लिखेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले और फ्रॉम के पहले वाला नंबर बाद में, हमेशा इस चीज़ को मैंने बताया भी है आपको। तो फ्रॉम यानी वाई में से जेड को माइनस करिए, ये हमारी इक्वेशन बन गई एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, वन हाफ यानी वन हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई द सम ऑफ एक्स एंड वाई, तो सम ऑफ एक्स एंड वाई यानी एक्स और वाई का सम, ये मिला के आपका 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारी एक्सप्रेशन बना। थर्ड है द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और जैसे जेड या किसी भी वेरिएबल को जैसे हम एक्स प्लस एक्स ऐसे लिखते हैं तो इनको हम करने पे क्या लिखते हैं 3x, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो ये रहते तो वही हैं, इनकी पावर उतनी हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है तो x की पावर 3, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, और स्क्वायर को इस तरीके से लिखेगा कि वो जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, वही ये भी है, आपको इसको बहुत छोटे फॉर्म में लिखना है, बहुत छोटे फॉन्ट में। फोर्थ है 1/4 यानी 1/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो आप ये देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि p इंटू क्यू क्या हो जाएगा पी क्यू, और पी क्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू अपॉन 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, x और y को स्क्वायर किया गया, स्क्वायर्ड मतलब पावर में 2 लिखा गया बोथ के, एंड एडेड और फिर जोड़ दिया गया, ठीक है। या आप अभी स्क्वायर क्यूब
या आपका स्क्वाड का मतलब होता है पावर में 2 होना, क्यूब मतलब पावर में 3 होना। तो इसी तरीके से आप अभी एक्सपोनेंट एंड पावर आपका चैप्टर है, उसमें इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट है नंबर 5, एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एम एंड एन। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन में हमें 5 प्लस करना है, दैट इज 3m plus 5। फिर हमें दिया हुआ है 7th, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 से घटाना है, माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ y एंड z को। तो किस में से माइनस करना है? 10 से। किसको माइनस करना है? y और z के प्रोडक्ट को। तो y और z का प्रोडक्ट क्या हो गया? yz। नेक्स्ट है सम ऑफ नंबर a एंड b, a और b का सम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ए बी के प्रोडक्ट से ए बी के सम को माइनस करना है। तो पहले किसको लिखा जाएगा? प्रोडक्ट से सम को माइनस करना है, तो प्रोडक्ट हो गया ए इंटू बी, सम हो गया ए प्लस बी, और इनको आपस में क्या करना है? माइनस, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो फ्रॉम के बाद कौन आ रहा है? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पहले आएगा, और सम कौन आ रहा है? पहले, इसलिए वो बाद में आएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेशंस को फ्रेम किया जब वो हमें स्टेटमेंट फॉर्म में दिए थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो आपका इस पे बेस्ड है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। मैंने आपको ट्री डायग्राम के बारे में पहले भी बताया था कि ट्री डायग्राम क्या होता है। तो ट्री डायग्राम में आपको ध्यान देना है कि जैसे आपको कोई एक एक्सप्रेशन मैं लेके बताती हूँ, जैसे यहाँ दिया हुआ है ए बी माइनस ए बी प्लस 2b² माइनस 3a². अब हमें इसे ट्री डायग्राम के थ्रू शो करना है। तब कैसे शो करेंगे? सबसे पहले ट्री डायग्राम में किसको रिमूव, किसको अलग किया जाता है? टर्म्स को। हमने देखा यहाँ इनके बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का। इनके बीच में कैसा साइन है? मल्टीप्लाई। इनके बीच में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से टर्म अलग नहीं होता, टर्म अलग किससे होता है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। तो आप यहाँ देखिए, एक माइनस का साइन यहाँ है, प्लस का साइन यहाँ है, माइनस का साइन यहाँ है। तो इससे ये क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो पहला हमारा टर्म बन गया माइनस ए बी, दूसरा टर्म हो गया 2b², और तीसरा टर्म हो गया माइनस 3a². ठीक। अब उसके बाद आपको फैक्टर अलग करने, क्योंकि फैक्टर ट्री का मतलब ही है कि पहले एक्सप्रेशन, देन टर्म, देन आपके फैक्टर्स। अब फैक्टर्स इससे कैसे अलग होंगे? फैक्टर्स को आप जो शो करेंगे वो डॉटेड लाइन से शो करेंगे। अब यहाँ कितने फैक्टर्स हैं ये कैसे पता करें हम? हमने यहाँ देखा माइनस लिखा है, ए और बी लिखा है। अब इसको आपको यदि अलग करना है तो बेस्ट ऑप्शन है कि या तो आप इसे लिखिए माइनस ए और बी, ये भी सही है आपका, या फिर आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो अपने आप में छुपा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि सिंपल एक्स लिखा है तो उसके आगे वन अपने आप है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी वन मान के इसको माइनस वन ले लेते, नेक्स्ट ले लेते ए, नेक्स्ट ले लेते बी। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें, तो अब इसमें फर्दर आपने डिवाइड किया, ये हो गया 2, ये 2b हैं, बी स्क्वायर मतलब b इंटू बी, तो एक बी दूसरा बी। फिर यहां पे आ जाए
ये है माइनस थ्री, तो पहला हो गया माइनस थ्री। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम यहाँ पे आपने माइनस वन लिया था, यहाँ क्यों नहीं माइनस वन लिया? तो यहाँ पे कोई हमें कांस्टेंट गिवन नहीं था, यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है और माइनस थ्री इट्सेल्फ एक इंटीजर है, माइनस थ्री लिया और ए स्क्वायर को हम ए और ए, तो इस तरीके से हमारा फैक्टर ट्री किसी एक्सप्रेशन का जनरेट होता है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट आपका इसी फैक्टर ट्री पे डिनोटेड है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको ये इंडिकेट करना है इसमें कि किसी भी एक्सप्रेशन में कौन टर्म्स हैं और कौन फैक्टर्स हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, हमने लिया 1.2 ab माइनस 2.4 b प्लस 3.6 a। अब हमें इसमें टर्म्स और फैक्टर्स को अलग करना है, तो मैंने देखा यहाँ तीन है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी टर्म्स कौन कौन से हैं। 1.2 ab पहला टर्म, माइनस 2.4 b दूसरा टर्म और प्लस 3.6 a। आप चाहे तो इसे प्लस 3.6 a लिखे, चाहे प्लस का साइन ना लगाए, क्योंकि किसी भी वैल्यू के आगे यदि कोई साइन नहीं लगा है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट लिखना है फैक्टर्स, तो हम इसमें फैक्टर्स देखें तो एक तो हमारा कांस्टेंट दैट इज 1.2, दूसरा a, तीसरा b। अब इसमें देखें एक हो गया माइनस 2.4, दूसरा हो गया b, इसमें देखें 3.6 और a। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि ये एक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं, एक दो तीन, और फैक्टर्स कितने हैं इस टर्म के अंडर में, थ्री, इस टर्म के टू और इस टर्म के टू। तो इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे सपोज एक एक टर्म लेते हैं हम, हमने लिया 2x² y² अब इसको यदि हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या होंगे, एक हो गया 2, फिर x की पावर 2 है मतलब x और x, फिर y की पावर 2 मतलब y और y। तो इस तरीके से हम टर्म्स और फैक्टर्स को अलग करते हैं। पहला मैंने इसका जो पार्ट था वो बताया था फैक्टर ट्री के थ्रू, दूसरा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम डायरेक्ट भी टर्म्स और फैक्टर्स को अलग कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में बोला है फैक्टर ट्री तो आपको फैक्टर ट्री ही फॉलो करना है, और कुछ नहीं कहा तो आप दोनों में से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था जब इंट्रोडक्शन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी नंबर के आगे, किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी टर्म में जो नंबर्स दिए होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में हो, चाहे वो इंटीजर्स हो। जैसे सपोज उसने हमें दिया, मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, उसने मुझे कहा कि x प्लस 2xy प्लस 3y। अब इसमें मुझे क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन में जो हमारे वो है वेरिएबल्स हैं, हमें उनका क्या निकालना है, उनका हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है। तो वेरिएबल्स की यदि बात की जाए तो पहली बात तो इसमें टर्म्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3। अब इस टर्म में वेरिएबल क्या है, x, इस टर्म में वेरिएबल क्या है, x और y, इस टर्म में वेरिएबल क्या है, y। तो हमें यदि इस टर्म का एक्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x के आगे का जो नंबर है, कोई नंबर नहीं है तो कौन आएगा, 1। फिर है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 2xy, तो 2xy में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन होगा, 2। फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 3y में न्यूमेरिकल कौन है, 3। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालते हैं। जैसे सपोज दिया है -p² q², इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा,
तो भी देखिए इसके आगे कोई नंबर लिखा है, कोई नहीं है, तो वहां पे हम वन मान लेंगे उसको। तो हमारा जो न्यूमेरिकल कोफिशियंट होगा, अब छोटा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि माइनस का साइन लगा है तो इस पूरे टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशियंट जो होगा वो आपका होगा माइनस वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं, एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, ऐसे केस में हम कैसे न्यूमेरिकल कोफिशियंट निकालें। तो आपने ये समझते देखते ही समझ गए होंगे कि ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। तो टू इंटू एल, ये हम लोगों ने किसमें पढ़ा था जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे कि ये टू इससे भी इंटू होगा, ये टू इससे भी इंटू होगा, और प्लस का हमने सिंबल लगाया। तो अब इस टर्म में पहले हम देखेंगे 2l में न्यूमेरिकल कोफिशियंट कौन है, 2, और फिर हम देखेंगे 2b में न्यूमेरिकल कोफिशियंट कौन है, 2। तो न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ 2l हो जाएगा 2, और न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ 2b हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल कोफिशियंट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन एक्स। अब आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट्स दिए हैं, जिनमें आपको उसने पहले पार्ट में बोला है कि सपोज, जैसे अब मैंने आपको एक कोई भी एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, मैंने लिया 13y² - 8yx, उसने कहा आइडेंटिफाई द टर्म कंटेन एक्स, ऐसा टर्म निकालिए जिसमें x है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जिसके अंदर x कंटेन है, तो ऑब्वियस है ये वाला, इसमें तो कहीं x है ही नहीं। तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें x है, तो वो टर्म है -8yx। अब उसने पूछा देन फाइंड आउट द कोफिशियंट ऑफ x, x का कोफिशियंट बताइए। तो मैंने आपको प्रीवियस जब इंट्रोडक्शन में बताया था इसके कि x का कोफिशियंट यदि पूछा है तो इस x को छोड़ के बाकी जो कुछ बचा वो उसका कोफिशियंट हो जाएगा। तो कोफिशियंट ऑफ x इज -8y। इसी तरीके से इसमें आपको सपोज दोनों टर्म में यदि x दिया है, एक मैं उसका भी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ पे एक हमारा है 7x + xy², आप कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टर्म हैविंग x, तो यहाँ पे दो टर्म है, तो कौन कौन से टर्म्स हैं, वो पहला है 7x और दूसरा है xy². तो अब 7x का यदि हम कोफिशियंट देखेंगे, x का कोफिशियंट ऑफ x इन 7x तो 7 होगा, वही कोफिशियंट ऑफ x इन xy² देखें तो कौन होगा, y² होगा। तो कोफिशियंट और न्यूमेरिकल कोफिशियंट में ये एक डिफरेंस होता है कि कोफिशियंट मीन्स उस पर्टिकुलर टर्म के उस पोर्शन को जिसका कोफिशियंट पूछा जा रहा है उसको रिमूव करके बाकी चीजें, न्यूमेरिकल कोफिशियंट का मतलब उस टर्म का जो भी कांस्टेंट दिया है वो वैल्यू विथ साइन। तो फोर्थ का ए और बी पार्ट आपका इसी पे बेस्ड है, ए में आपको एक्स के बारे में पूछा है और बी में आपको y² के बारे में पूछा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। तो 5th में आपसे पूछा है कि कौन से मोनोमियल है, कौन से बाइनोमियल है, कौन से ट्राइनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल है, जो कि आपने यदि प्रीवियस जो वीडियो था इंट्रोडक्शन वीडियो वो पढ़ा है तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। 6th में आपको लाइक एंड अनलाइक डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगेन मैंने आपको बताया था कि जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक के केस में आपको ध्यान रखना है कि यदि दो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ 1 और 100 दिया है, दे आर लाइक। अच्छा, और यदि किसी भी दो टर्म्स के जो
वेरिएबल्स हैं वो सेम है, कांस्टेंट अलग है तो वो लाइक होते हैं. वेरिएबल्स सेम है लेकिन वो मूव हुए हैं, जैसे लाइक दिस कि 14xy और दूसरा है 42yx, तो अगेन दे आर लाइक वाई बिकॉज दे आर हैविंग सेम वेरिएबल्स बट द ऑर्डर इज नॉट इन सीक्वेंस. जैसे यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई एक्स लिखा है, फिर भी ये लाइक टर्म्स है. तो ये चीजें हैं. नेक्स्ट हमारा इसका जो सेवेंथ क्वेश्चन है, वहां पे आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, अराउंड 11 to 13 टर्म्स दिए हैं. आपको उनमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लाइक टर्म्स हैं. जैसे सपोज मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं, माइनस एक्स वाई स्क्वायर दिया है, माइनस फोर वाई एक्स स्क्वायर दिया है, उसके बाद माइनस 11 वाई एक्स दिया है और को दिया है माइनस 100x. ऐसे बहुत सारे टर्म्स यहाँ दिए हुए हैं. अब आपको सर्च करना है कि कौन से लाइक है. तो देखा जाए ये वाले टर्म को यदि हम देखें तो इसमें एक्स वाई स्क्वायर है, इसमें वाई एक्स स्क्वायर है, यानी y की पावर एक है और x की पावर दो है. यहाँ पे x की पावर एक है, y की पावर दो है, सेम नहीं हो सकते. सेम कब होते? जब y पे पावर टू होती है, x पे वन होती. सिमिलरली यहाँ पे ये वाई एक्स है, यहाँ ये x है, और कोई भी टर्म एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा. लेकिन जब आप इसके ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे जो एक्सरसाइज में, वहाँ पे आपको टोटल 11 to 12 टर्म्स दिए हुए हैं और उनमें कोई ना कोई टर्म एक दूसरे से मैच कर रहा है. जो मैच करेगा वही क्या होंगे? लाइक टर्म्स होंगे. जैसे एक अभी इसी में मैं यदि एक इंक्रीज कर दूं एक नंबर 3x, अब आप कह सकते हैं कि ये दिया हुआ है माइनस 100x और यहाँ दिया है 3x, तो ये दोनों कैसे हो गए? लाइक टर्म्स हो गए. तो माइनस 100x एंड 3x आर लाइक टर्म्स. तो इस तरीके से जो भी टर्म्स आपने जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो में चीज़ें पढ़ी थी वो इस एक्सरसाइज में आपको मैंने एक्सप्लेन की. थैंक यू स्टूडेंट्स. जय नारायण.